फाइनली हम जो है सेकंड पार्ट को यहाँ पर लेके आ चुके हैं। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूनिक होने वाली है, वो क्योंकि आज ये सेकंड टूटल है यानी सेकंड पार्ट। इसमें हम जो है कंप्लीट फेस को शेड करेंगे, कंप्लीट फेस को एंड स्टेप बाय स्टेप इजी वे में वो सारी बातें आपके साथ शेयर करूँगा। एंड यहाँ पर देखें फ्रंट पोर्ट्रेट को देखें, सबसे पहले किस तरीके से हम गूगल्स को कवर करेंगे। यहाँ पर देखें डार्क वैल्यूज़ है, लाइट है, किस तरीके से गूगल्स को शेड किया जाता है। एंड धीरे धीरे जो है हम कंप्लीट जो है फेस को शेड करेंगे बिल्कुल इजी वे में। कौन सी मटेरियल यूज़ करेंगे, कौन सी चीज़ें यूज़ करेंगे, वो सारी बातें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इजी एंड यूनिक कंटेंट के साथ फिर से आ चुकी है। तो यहाँ पर चलिए स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले जो है फर्स्ट लेयर के लिए कौन सी पेंसिल्स का यूज़ करते हैं। एंड देखें यहाँ पर मैं जो है ग्रेफाइट पेंसिल्स का यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट लेयर क्रिएट करेंगे, लेयर वाइज काम करेंगे। तो इसलिए मैं फर्स्ट लेयर देने के लिए 2B पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ, जो बहुत ही ज़्यादा लाइट ग्रेड की पेंसिल होती है। इसको अच्छे तरीके से शॉर्प करके फिर यूज़ करना। आप देखें यहाँ पर ध्यान देके देखें, यहाँ पर आपको करना है क्या है कि सबसे पहले डार्क वैल्यूज़ कहाँ पर है उसको कवर करना है। यहाँ पर तो यहाँ पर सिंपली ऑब्जर्व करना है कि सबसे पहले आपको डार्क वैल्यूज़ कहाँ पर दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर मैं बिल्कुल जो है सावधानी के साथ सिंपली जो है डार्क वैल्यूज़ को कवर कर रहा हूँ। एंड जो जो फ्रेंड्स चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को भी साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें। फर्स्ट लेयर देने के बाद अब बात आती है ब्लेंडिंग की। तो यहाँ पर मैं मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पर देखें छोटे वाला मेकअप ब्रश यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास मेकअप ब्रश नहीं है तो आप एयरबड या कॉटन के छोटे पीस को आप यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के अंदर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड आगे वीडियो को मैंने टाइम लैप्स रखा है ताकि आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा सीखें। जहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो पर मैं जो है 5B पेंसिल जो 2B से थोड़ी जो है डार्क होती है तो वो यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए ध्यान देखिए देखिए, मुझे क्योंकि डार्क वैल्यूज़ अचीव करनी है, डार्क वैल्यूज़ लानी है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर 5B पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ। अगर आपके पास 5B नहीं है, 3B या 4B है या 2B भी है, तो आप जो है प्रेशर का यूज़ करके हाथ के आप उसको यूज़ कर सकते हैं, वो जो है अचीवमेंट ला सकते हैं। से यहाँ पर मैंने ले लिया 2B पेंसिल फॉर द फर्स्ट लेयर। राइट साइड हमने कवर कर लिया गूगल्स का, अब जो है लेफ्ट साइड वो कवर करेंगे। किस तरीके से, जिस तरीके से हमने राइट साइड को कवर किया सेम टू सेम वही मेथड यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो बात कहने का मकसद ये है कि अगर हम लेयर वाइज आगे बढ़ते जा रहे हैं तो लेयर वाइज देने से क्या होता है कि आपका जो पोर्ट्रेट रियलिस्टिक लुक प्रोवाइड करता है एक ही दम में। जो बहुत से आर्ट जो है क्या करते हैं, एक ही पेंसिल से जो है काम तमाम कर लेते हैं, तो उससे जो है आपकी रियलिस्टिक पोर्ट्रेट नहीं बनती। आपको लेयर वाइज धीरे धीरे आगे बढ़ना होता है। तरीके से जो ब्लेंडिंग के लिए मेकअप ब्रश का यूज कर रहा हूँ, ध्यान देके देखें। तो छोटी से छोटी चीजें आपको जो है कवर करनी है, अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करनी है, पेशेंस के साथ काम करना है। अगर आपके अंदर पेशेंस है तभी जाकर आप एक अच्छे आर्टिस्ट बन सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एंड यहाँ पर हाईलाइट देने के लिए जो यूज़ कर रहा हूँ वो है फाइबर क्रिस्टल की इरेजर पेंसिल है, जो बहुत ही ज़्यादा सस्ती है लेकिन रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आप इसको जो है ऑनलाइन बाय कर सकते हैं फाइबर क्रिस्टल। अब यहाँ पर मैं डिटेलिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल। अगर आपके पास मटेरियल नहीं है तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, आप यहाँ पर 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल की जगह पर HB पेंसिल जो मार्केट में आपको 5 या 10 रुपये में इजीली मिल जाएगी उसको अच्छे तरीके से शार्प कर यूज़ कर सकते हैं डिटेलिंग के अंदर। अब
अब दोबारा से यहाँ पर ध्यान देके देखेंगे, मैंने ले लिए 2B फॉर द फर्स्ट लेयर, 4 हेड के ऊपर मैं एक शेडिंग क्रिएट कर रहा हूँ। इस तरीके से धीरे धीरे हम कंप्लीट फेस को शेड करेंगे। अब यहाँ पर मैंने दोबारा से 2B पेंसिल ले लिया फॉर द 4 हेड के अंदर जो मैं शेडिंग क्रिएट कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे डार्क वैल्यूज दिखाई दे रही है, डार्क टू लाइट जा रहा हूँ अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके फ्रंट पोर्ट्रेट को देखते हुए। तो धीरे धीरे आपको आगे बढ़ना, बी पेशेंस पेशेंस के साथ। एंड इसके साथ एक और बात मैं जोड़ना चाहूँगा, अगर आप एक आर्टिस्ट बनना चाहते हैं तो भाई की चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। एंड आपको इस चैनल पर बहुत ही ज़्यादा इजी एंड बढ़िया कंटेंट मिलता है विथ इजी वे में, तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। पर ध्यान देके देखें, मैं छोटी से छोटी चीज़ जो है बिल्कुल सिंपली इजी वे में आहिस्ता स्लोली जो है कवर कर रहा हूँ। तो आपको भी इस तरीके से पेशेंस के साथ स्लोली आगे बढ़ना है, हड़बड़ी नहीं करनी है। बहुत से आर्टिस्ट, न्यू आर्टिस्ट क्या करते हैं, हड़बड़ी में जो है काम खराब करते हैं, बाद में जो है डिमोटिवेट होके जो आर्ट को ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा प्लीज़ मत करें, पेशेंस के साथ काम करें। यहाँ पर अब मैं यूज़ कर रहा हूँ फाइनली मोनो जीरो रेजर, बहुत ही बढ़िया है फॉर द हाईलाइट। अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो बाय कर सकते हैं, छोटी छोटी डिटेलिंग एंड हाईलाइट के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन टूल है। ये थोड़ा एक्सपेंसिव है फाइबर कैस्टल के मुकाबले में, फाइबर कैस्टल जो है रेजर पेंसिल वो सस्ती है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन इसका रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर इसको बाय करना चाहते हैं तो खरीद सकते हैं। दोबारा से यहाँ पर मैं जो है 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, छोटे छोटे डॉट क्रिएट कर रहा हूँ एंड बहुत ही ज़्यादा जो डिटेलिंग वर्क है वो क्रिएट कर रहा हूँ, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। अगर आपके पास 0.3 की मैकेनिकल पेंसिल नहीं है तो दोबारा से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप HP पेंसिल को यूज़ कर सकते हैं अच्छे तरीके से शार्प करके। 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ करके यहाँ पर मैं नोज़ को कवर कर रहा हूँ। धीरे धीरे आगे बढ़ें, अब जो है नोज़ के ऊपर किस तरीके से शेडिंग जिस तरीके से फ्रंट पोर्ट्रेट में दिखाई दे रही है, सेम टू सेम वही यहाँ पर मैं सिंपली जो है ड्रॉ कर रहा हूँ बिल्कुल अच्छे तरीके से, जहाँ पर डार्क वैल्यूज है यहाँ पर देखें, ध्यान देखें। एंड अब यहाँ पर मैं ब्लेंडिंग स्टम्प का यूज़ कर रहा हूँ, ये भी बहुत ही बेहतरीन टूल है। ज़्यादातर मैं जो है ब्लेंडिंग स्टम्प इतना यूज़ नहीं करता, मेकअप ब्रश यूज़ करता हूँ, कॉटन यूज़ करता हूँ, या अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आप जो है क्लॉथ से कपड़े के टुकड़े का यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के अंदर। एंड इससे भी बढ़िया चीज़ है, अगर आपके पास कोई भी ब्लेंडिंग के लिए कोई चीज़ नहीं है तो आप अपनी फिंगर को भी यूज़ कर सकते हैं ब्लेंडिंग के अंदर, फिंगर को भी, ठीक है। ध्यान देखिए देखें, क्योंकि मैं काफ़ी जगह पर जो है फिंगर का भी यूज़ कर सकता हूँ ब्लेंडिंग के अंदर। देखे फ्रेंड्स, यहाँ पर जो मैं डार्क वैल्यूज जो है कवर कर रहा हूँ, जहाँ पर मुझे डार्क शेडिंग चाहिए, देखे ध्यान देखे वो कवर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको जहाँ पर डार्क वैल्यूज दिखाई दे तो डार्क एंड जो लाइट दिखाई दे तो लाइट, इस तरीके से धीरे धीरे आपको आगे बढ़ते जाना है। स्टिचेस की मोस्टिचेस किस तरीके से बने हुए फ्रंट पोर्ट्रेट को आपसे देखना है, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके यहाँ पर सिंपली ड्रॉ करते जाना है बिल्कुल सिंपली। यहाँ पर वीडियो टाइम लैप्स से आगे, लेकिन आपको जो मेन बताने का पर्पज़ ये है कि आपको अच्छे तरीके से देखना है, ऑब्जर्व करना है फ्रंट पोर्ट्रेट को, देन जो है धीरे धीरे स्ट्रोक बाय स्ट्रोक आगे बढ़ते जाना है। फिर आप कोई भी हेयर्स बनाने हो तो आई एम यूजिंग हेयर 0.5 की मैकेनिकल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ, आप जो है 2B HB पेंसिल को भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं लिप्स को कवर करूँगा।
अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके लिप्स के अंदर बहुत ही आप जूम आउट करके देखेंगे उसके अंदर लकीरें होती है, बहुत ही ज़्यादा लिप्स के अंदर डिटेलिंग होती है। तो लिप्स जो है यहाँ पर थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन हम इसको बहुत ही ज़्यादा ईजी वे में आपके साथ शेयर करेंगे एंड बनाएंगे। देखिए मैं देख किस तरीके से डिटेलिंग क्रिएट कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से छोटी 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 अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके। पर मैंने मोनो जीरो रेजर ले लिया फॉर द हाईलाइट, यहाँ पर लिप्स के अंदर हाईलाइट क्रिएट कर रहा हूँ ताकि हमारे लिप्स जो है और भी ज़्यादा रियलिस्टिक लुक प्रोवाइड करें हमें। फाइनली अब बात आती है बियर्ड की, मोस्टिशिस हमने बना लिया, अब आती है बियर्ड की। तो बियर्ड भी उसी तरीके से ऑब्जर्व करना है, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक धीरे धीरे ऑब्जर्व करके जिस तरीके से फ्रंट पोर्ट्रेट में आपको स्ट्रोक दिखाई दे बियर्ड के, सेम टू सेम अप्लाई करके यहाँ पर वही क्रिएट करने हैं। देखे इसको मैंने जो है वीडियो को थोड़ा जो है कम स्लो रखा है, यहाँ पर देखे मैं स्ट्रोक जो क्रिएट कर रहा हूँ छोटे 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 ऑब्जर्व करके यहाँ पर। एंड यहाँ पर जो है मैं मोनो जीरो इरेजर का यूज कर रहा हूँ फॉर द हाईलाइट, छोटे छोटे जो व्हाइट हेयर है, शाइनिंग एरियाज हैं बियर्ड के अंदर, व्हाइट छोटे छोटे हेयर के स्ट्रोक है वो कवर कर रहा हूँ अच्छे तरीके से फ्रंट पोर्ट्रेट को ऑब्जर्व करते हुए। तो धीरे धीरे हम जो आगे बढ़े हैं हमारी जो है शेडिंग जो है प्रॉपर बहुत ही बढ़िया दिखाई दे रही है, वीडियो में तो पता नहीं लेकिन रियल में बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। बहुत से फ्रेंड्स जो न्यू जुड़े हैं अगर जो जुड़ना चाहते हैं तो सो सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें। एंड जो न्यू फ्रेंड्स जुड़े हैं अभी चैनल पर तो उनको यही सजेस्ट है कि आप जो है रेगुलर बेस के ऊपर प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है उसके ऊपर भी मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोज़ डाल रखे हैं, आपको वो मेरी चैनल पर मिल जाएगी, विजिट करें उस वीडियोज़ को कम्प्लीट देखें कि रेगुलर जो है प्रैक्टिस किस तरीके से की जाती है। फाइनली फ्रेंड्स यहाँ पर हमने जो है एक कंप्लीट फेस को शेड कर लिया है, जल्द ही नेक्स्ट पार्ट आ जाएगा जिसमें हम जो है कंप्लीट जो है हेयर्स बनाएंगे, रियलिस्टिक हेयर को किस तरीके से बनाया जाता है, कंप्लीट पोर्ट्रेट को करेंगे नेक्स्ट थर्ड पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।